नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश टेक इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वावे नोवा 3 के बारे में। जी हां, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसकी डेट कंफर्म हो गई है इंडिया में लॉन्च होने के लिए। जी हां, इसकी डेट कंफर्म हो गई है, जो कि अब हम आगे बताने वाले हैं कि ये कब लॉन्च होगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप सभी से मैं सॉरी कहता हूं कि नोकिया X6, जी हां, नोकिया X6 18 जुलाई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन कैंसिल हो गया, जो कि 19 जुलाई को पता नहीं कहां लॉन्च हो रहा है, ये अभी पता नहीं है। लेकिन हम आपको जल्दी बता देंगे कि 19 जुलाई को कहां लॉन्च हो रहा है, लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है। हमें 18 जुलाई को लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कैंसिल्स हो गई। जी हां, कैंसिल हो गई, और 19 जुलाई को हम बता देंगे कहां लॉन्च हो रहा है, लेकिन ये न्यूज कंफर्म है कि 19 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। ये कहां लॉन्च हो रहा है कि हम बता देंगे, बहुत ही जल्दी बता देंगे। तो हम बात करते हैं Huawei Nova 3 के बारे में। जी हां, Huawei Nova 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको मिल जाता है 6.3 इंचेस का डिस्प्ले। जी हां, 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, आईफोन X के जैसा नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहा है। जी हां, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। और आपको मिल जाती है इसमें 3700 mAh की बैटरी। जी हां, 3700 mAh की बैटरी, बोले तो 3700 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि बहुत कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैटरी कम है। तो भाई 3700 mAh की बैटरी कोई ज्यादा कम नहीं होती है, ये भी लगभग 6 से 7 घंटे की बैटरी बैकअप आपको दे देगी। 6 से 7 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जा रही है, तो इसमें क्या है दोस्तों, नॉन स्टॉप बैटरी बैकअप दे देगी आपको। तो हम अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। जी हाँ, डुअल रियर कैमरा मिल जाता है, बैक में आपको मल्टी कलर ये फोन मिल जाएगा। तो कैमरा की बात कर रहे थे, कैमरा की हम बात कर रहे थे, तो आपको 16+2 मेगापिक्सल का, जी हाँ, 16+2 मेगापिक्सल का आपको रियर में कैमरा मिल रहा है, जो कि बहुत ही क्लियर पिक्चर को कैप्चर करेगा। जी हाँ, बहुत ही क्लियर आएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं फ्रंट कैमरा की। जी हाँ, आपको फ्रंट कैमरा में भी डुअल कैमरा मिल रहा है। जी हाँ, फ्रंट कैमरा में भी डुअल कैमरा मिल रहा है आपको 24+2 मेगापिक्सल का। जी हाँ, 24+2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल रहा है, जो कि फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, और आप इसे फ्रंट कैमरा से भी बुके इफेक्ट को कैप्चर कर पाएंगे। जी हाँ, बुके इफेक्ट में अपने फोटो को खींच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फोन है भाई। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, प्रोसेसर कैसा है और कैसा परफॉर्म करेगा। तो बात कर ले रहे हैं हम आपको, प्रोसेसर बता दे तो हाई सिलिकॉन ऑक्टा कोर हाई सिलिकॉन 970 का क्रीन प्रोसेसर मिल रहा है। जी हाँ, ऑक्टा कोर हाई सिलिकॉन क्रीन 970 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोसेसर है। जी हाँ, बहुत ही हार्डवर्क करेगा, ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें आप किसी भी प्रकार का गेम खेल सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर एसफाल्ट 8 खेल सकते हैं। अभी जस्ट 10 लॉन्च होने वाला है, तो भी हम बता देंगे ये गेम कब लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, हवा ज्यादा चल रही है, इसीलिए पीछे में पर्दे उड़ रहे हैं। तो ठीक है भाई दोस्तों, उसे छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं Huawei Nova 3। जी हाँ, हम बात कर लेते हैं ये कब लॉन्च होगा। तो ये फोन दो लॉन्च हो रहे हैं। जी हाँ, दो फोन लॉन्च हो गए हैं, Huawei Nova 3 और Huawei Nova 3i। जी हाँ, दो फोन लॉन्च कर रहा है Huawei ने, Huawei Nova 3 और Huawei Nova 3i। जी हाँ, दोनों ही 26 जुलाई को लॉन्च हो रहे हैं, 26 जुलाई को लॉन्च हो रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि लॉन्च हो गए हैं। तो भाई Huawei का फोन तो बहुत ही जबरदस्त है, जैसे कि हम पिछले फोन में देख रहे थे Huawei P20 Lite। जी हाँ, Huawei P20 Lite बहुत ही आकर्षक फोन रहा कैमरा के मामले में, ये भी बहुत ही आकर्षक फोन रहेगा कैमरा के मामले में। जी हाँ, प्रोसेसर भी बढ़िया है, बैटरी भी बढ़िया है, और सब कुछ बढ़िया भाई। तो अब हम 26 जुलाई तक इंतजार करते हैं ये फोन कैसा रहता है और आपको कैसा मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके लुक वाइज फोन के। जी हाँ, ये लुक वाइज कितने वेट का है और क्या इसकी
थिकनेस है ये अभी नहीं पता चली है, जैसे ही पता चलेगा हम आपको तुरंत बता देंगे। तो भाई फोन भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, अब तो 26 जुलाई को लॉन्च होगा तब ही पता चलेगा ये फोन कैसा है। तो दोस्तों अब इंतजार करते हैं 26 जुलाई तक। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करते समय सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारी वीडियो आपके पास तुरंत मिल जाएगी, लेकिन ऐसे वीडियो नहीं जाएगी, आपको साथ में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी जय हिंद, वंदे मातरम।